Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है वीवो का T2 और इस फोन के अंदर आपको करना है कॉल रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस फोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं। इस फोन में आप दो तरह से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर पाएंगे, तो चलिए जानते हैं किस तरह से। आपको सबसे पहले जाना हो डायलर के अंदर, और डायलर में जाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके चली जाइए सेटिंग में, तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर फोन में आपके ये नहीं है तो इसको लाने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कैसे लाना होता है। इसको लाने के लिए जो आपका डायलर रहेगा इस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो ऐप इन्फो देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके अब आपको जो डाटा रहता है इसका क्लियर कर देना, तो उसके लिए आपको स्टोरेज एंड चेस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज देखने को मिलता है। यहां क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, इसका डाटा क्लियर हो चुका है। अब आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर है वो यहां पर ऐड हो जाएगा। अब यहां जाइए 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में और कॉल रिकॉर्डिंग पर आ जाइए। यहां दो तरह से कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, एक तो अननोन नंबर की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो फोन में नंबर सेव नहीं रहेगा उसकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर चालू करना है तो इसको यहां से इनेबल कीजिए और ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपके फोन में जो नंबर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए सेलेक्टेड नंबर यहां पर देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहां से इस ऑप्शन को इनेबल कीजिए, ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए, चूज ए कॉन्टेक्ट पर चले जाइए। यहां से एक एक करके उन नंबर को सेलेक्ट कीजिए जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहां पर नंबर को सेलेक्ट करके कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाएंगे।